बेस को बनाना ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, ये पार्ट टू है, ठीक है। पार्ट वन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह बेस पे यहाँ पे कॉर्नर आते हैं, और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, देखिए चार जहाँ पे हमें कॉर्नर पे नॉट को लगाना है, ठीक है। यहाँ पे ये कॉर्नर आएगा, सो देखिए जो ट्रायंगल शेप दिख रहे हैं ना, यहाँ से हमें काउंटिंग करना है। सेंटर लाइन से काउंटिंग करेंगे तो पूरा 10 नॉट आएगा, सो हमें 10th और 8th इन दोनों नॉट के वायर को लेकर नॉट को लगाना है। जो सेंटर में जो 9th वाला जो वायर है ना, जो वायलेट कलर नॉट, उसको हमें कट करके अंदर की तरफ इंसर्ट कर दूंगी। यहाँ पे देखिए हमने इन दोनों नॉट के वायर को लेकर एक नॉट को लगाना है। तो चलिए कॉर्नर वाला नॉट को लगाते हैं। सो पहले 10th वायर को फोल्ड करना है, उसके बाद 9th वायर को स्किप करके 8th वाला वायर को लेकर इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करना है, उसके बाद नीचे वायर को ऊपर रखना है, उसके बाद साइड वाले वायर को इस लूप के अंदर डाल के हमें इस नॉट को टाइट कर लेना है, ठीक है। ये जो सेंटर में जो वायर है ना, 9th वाला वायर को हमें नहीं लेना है, ठीक है। वो जो वायर है उसको हमने कट करके इंसर्ट कर देना है। यहाँ पे आप देखिए हमने 8th और 10th इन दोनों वायर को लेकर एक नॉट को लगा दिया, ठीक है। और ये जो सेंटर में देखिए, ये जो 9th वाला वायर को हमें कट करके पीछे की तरफ इंसर्ट कर देना है। इस वायर को हमने इसलिए कट करते हैं, ये जो ऑरेंज कलर नॉट पे 3x3 पैटर्न बना रहे हैं ना, ये जो पैटर्न हमें बैक की जो ऊपर की तरफ भी कंटिन्यू हो, इसलिए हमने इस वायर को कट करके इस तरह से करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से काउंटिंग किया, 8th और 10th इन दोनों नॉट के वायर को लेकर एक नॉट को लगा दिया, ठीक है। और सेंटर में जो नॉट है ना, 9th वाला नॉट के वायर को कट करके अंदर की तरफ इंसर्ट कर दिया है। सेम ऐसे एक कॉर्नर पे हमने नॉट को लगा दिया, और दूसरे कॉर्नर पे नॉट को लगाना है। जो पहला कॉर्नर पे हमने नॉट को लगा दिया और वायर को इस तरीके से हमने इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। तो दूसरी तरफ कॉर्नर पे हमने नॉट को लगाना है। एक तरफ कॉर्नर पे हमने नॉट को लगा दिया, सो दूसरी तरफ कॉर्नर पे नॉट को लगाने के लिए सेम ऐसे हमें काउंटिंग कर लेना है। सेंटर लाइन से काउंटिंग करने के बाद आप देख सकते हो हमें 10th और 8th इन दोनों नॉट की जो वायर आते हैं ना, उन दोनों वायर को लेकर एक नॉट को लगाना है, और सेंटर में जो 9th वाला वायर को हमें कट करके अंदर की तरफ नॉट के बीच में इंसर्ट कर देना है, ठीक है। पहले देखिए हमने इन दोनों वायर को लेकर नॉट को लगाएंगी तो यहाँ पे कॉर्नर वाला नॉट, सेकेंड वाला कॉर्नर पे नॉट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेम ऐसे जैसे हमने नॉट को लगाते हैं, वैसे ही हमें कॉर्नर पे भी नॉट को लगा लेना है। एट्थ और 10th नॉट की वायर को लेकर एक नॉट को लगा दिया, और 9th वाला वायर को हमें अंदर की तरफ इंसर्ट कर देना। दो कॉर्नर पे नॉट को लगा के कंप्लीट कर दिया है। अब थर्ड कॉर्नर पे हमने नॉट को लगाना है। यहाँ पे देखिए सेम ऐसे यहाँ पे काउंटिंग कर लेना है, काउंटिंग करके 10 और 8 इन दोनों नॉट के वायर को लेकर नॉट को लगाना है, और ये जो 9th वाला वायर को हमें कट करके इंसर्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए मैंने 9th वाला वायर को लिया, उसको कट कर दिया। देखिए हमने 9th वाला वायर को ही कट किया है, उसके अलावा हमें किसी भी वायर को कट नहीं किया है, ठीक है। सही से काउंटिंग करके कट कीजिएगा, कट करके उसको इस तरीके से इंसर्ट करने के बाद हम नॉट को लगाएंगे। पहले आप नॉट को लगाने के बाद भी आप कट करके इंसर्ट कर सकते हो, या फिर कट करने के बाद भी आप नॉट को लगा सकते हो। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 8th और 10th इन दोनों वायर को लेकर एक नॉट को लगा लेना है, ठीक है। इस तरीके से एकदम टाइट में एक नॉट को लगाना है, ठीक है। नॉट के नीचे जो वायर ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए, थोड़ा दिखे तो ठीक है, ज़्यादा गैप ना दिखे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी साइड पे हमें सेम ऐसे काउंटिंग कर लेना है, काउंटिंग करके जो 9th वाला वायर को कट करके हमें अंदर की तरफ इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद वापस हमें 10th और 8th इन दोनों वायर को लेकर एक नॉट को लगाना है, ठीक है। हमने यहाँ से काउंटिंग किया सेंटर लाइन से, उसके बाद 9th वाला वायर को कट करके अंदर की तरफ इंसर्ट कर दिया, उसके बाद 8th और 10th इन दोनों वायर को लेकर एक नॉट को लगाना है। नॉट को लगाने के लिए पहले 8th वायर को फोल्ड करना है, उसके ऊपर 10th वायर को उसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा टाइट करके फोल्ड कीजिएगा, उसके बाद हमें जो नीचे जो वायर है ना उसको ऊपर रखना है, उसके बाद साइड वायर को इस लूप के अंदर डाल के हमें इस नॉट को टाइट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से नॉट को टाइट करने के बाद 4 कॉर्नर पे भी हमने नॉट को लगा के कंप्लीट कर दिया है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए हमने एक कॉर्नर पे नॉट को लगा दिया और ये दूसरा कॉर्नर पे नॉट को लगा दिया और ये थर्ड है और ये फोर्थ वाला कॉर्नर है, ठीक है। सो चार यहाँ पे हमने नॉट को लगा दिया और यहाँ पे देख सकते हो ये अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। अंदर की तरफ हमने वायर को भी इंसर्ट कर दिया है। सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया है। सो आगे क्या करेंगे, हमने ये जो साइड में होते हैं ना, साइड में जो ट्राइंगल शेप में वायर्स आ रहे हैं वहाँ की वायर को लेकर हम बुनाई करेंगे। जो पहले हमने वहाँ की वायर पर बुनाई करेंगे। सो ये जो कॉर्नर पे एक नॉट को हमने लगाया था ना, उस नॉट की एक वायर उस तरफ जाते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ जाते हैं, दूसरी वायर इस तरीके से नीचे की तरफ आते हैं। सो उस वायर को लेकर हमें यहाँ की जो वायर पे बुनाई करेंगे, ठीक है। पर हमने लास्ट वाला नॉट को स्किप कर देना है, जब मैं बुनाई करूँगी तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो मैंने पहले आपको प्रोसेस बता देती हूँ हमने क्या करने वाले। सो इस नॉट की वायर को लेकर हमें ये जो साइड वाले वायर्स पे बुनाई करेंगी, ठीक है। देखिए इस वायर को लेकर हमने बुनाई करेंगी। जो नाट को लगाने के लिए दो वायर चाहिए, सो कॉर्नर वाला नाट में एक वायर उस तरफ जाते हैं और दूसरी वायर इस तरफ आते हैं। तो देखिए सेम ऐसे हमें नीचे की तरफ भी ये जो कॉर्नर वाला नाट है ना, उसी की एक वायर नीचे है, ठीक है, और दूसरी वायर ये जो ट्रायंगल की तरफ जाते हैं, ठीक है, उसको लेकर हमें ये जो साइड पर वायर है ना उस पर बुनाई करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हमें जो उस तरफ देखिए यहाँ पे कॉर्नर है ना, उस पर एक वायर कॉर्नर पे नाट को लगाया था, एक वायर ऊपर की तरफ जा रहे हैं और दूसरी वायर नीचे की तरफ आ रही है, जो ट्रायंगल की तरफ आ रही है, उस वायर को लेकर हमें यहाँ की बुनाई करेंगे। और ये जो लास्ट वाला कॉर्नर के इस नाट की जो एक वायर इस तरफ आ रही है और दूसरी वायर इस ट्रायंगल की दूसरी तरफ जा रही है, तो इस वायर को लेकर हमें यहाँ की वायर पे बुनाई करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें इस बेस की साइड पे बुनाई कर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम मिडिल पोर्शन पे आते हैं, ठीक है। चलिए हमने नॉट को लगाना स्टार्ट करते हैं। मैंने नीचे वाले कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ। नीचे वाले कॉर्नर पे एक नॉट को हमने लगाया था, ठीक है, उस नॉट के एक वायर इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, थीके? उस वायर को लेकर हमें यहाँ की साइड वाले वायर्स पे बुनाई करेंगी। पहले हमें क्या करना है, उस नॉट की वायर को इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। वो कॉर्नर वाला नॉट की वायर को हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया, उसके बाद हमने ये जो स्ट्राइट में वायर्स आते हैं ना, उस वायर को इसके ऊपर फोल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद उस नीचे वाले वायर को ऊपर रखना है, उसके बाद हमने इसको फोल्ड किया था नाट की वायर को, उसको इस लूप के अंदर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद हमने नाट को टाइट कर देना है। हमें इस वायर को फोल्ड कर लेना है, नाट की एक वायर आते हैं उसको इस तरीके से फोल्ड करना है। उसके बाद देखिए इस तरफ एक वायर है ना, ठीक है, उस वायर को इसके ऊपर फोल्ड करना है। उसके बाद देखिए इसी नाट ये जो कॉर्नर वायर कहती हूँ, ठीक है, इस कॉर्नर वायर को ऊपर रखना है और इसको ये नाट की वायर को इस लूप के अंदर डाल के हमें इस नाट को टाइट कर देना है। तो वापस हमें सेम ऐसे ही पहले उसी वायर को फोल्ड करना है, उसके बाद इस नाट की वायर को फोल्ड करके यहाँ पे भी एक नाट को लगा लेना है, ठीक है। पहले हमें वो जो नाट में एक वायर आते हैं ना, उसी वायर को फोल्ड करते हुए हमें यहाँ की सभी वायर्स पे भी नाट को लगा रहे हैं, ठीक है। हमने अलग अलग वायर को नहीं लिया है, बस एक ही वायर को लिया है और उसके साथ यहाँ की जो साइड में वायर्स आ रहे हैं ना, उन वायर्स में हमने अटैच करके नाट को लगा रहे हैं। पहले कॉर्नर नाट की वायर को फोल्ड करना है, उसके बाद हमें जो साइड वायर की नाट है ना, नाट की वायर को इसके ऊपर फोल्ड करना है, उसके बाद नीचे वायर को ऊपर रखना है, उसके बाद इस तरीके से एक नाट को लगा लेना है। यहाँ पे देखिए ये जो कॉर्नर नाट है, ठीक है, उसके बाद हमें उसी वायर को लेकर यहाँ की सभी वायर्स पर भी नाट को लगा दिया। यहाँ पे देखिए हमने लास्ट तक आ गया है, जो लास्ट की पहला नाट के वायर को लेकर यहाँ पे एक नाट को लगा लेना है, ठीक है। लास्ट वाला नाट को हमें स्किप कर देना है, ठीक है, लास्ट वाला नाट या लास्ट वाला वायर को हमें छोड़ देना है, वहाँ पे हमें नाट को नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ तक हमें लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, पर लास्ट वाला नाट पे नाट को नहीं लगाना है, उस वायर को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ तक हमने कंप्लीट करके ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट कॉर्नर पे आना है, ठीक है। यहाँ की इस कॉर्नर नाट को लेकर एक वायर ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरी वायर इस ट्राइंगल की इस तरफ आ रहे हैं। सो इस वायर को लेकर हमें यहाँ की वायर्स पर बुनाई करना है। हमने ऊपर की तरफ क्या किया था, पहले इस कॉर्नर वायर को फोल्ड करते हुए नाट को लगाया था, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लगाना हमें नाट ठीक से नहीं आएगा, तो पहले हमें यहाँ पे इस जो नाट की वायर है ना साइड पे, उसको फोल्ड करना है, उसके बाद हमें कॉर्नर नाट की वायर को फोल्ड करना है, उसके बाद नीचे वायर को ऊपर रखना है, उसके बाद हमने पहले फोल्ड किया था उसको इस लूप के अंदर डाल के हमें इस नाट को टाइट कर देना है, ठीक है।
हफ्ते के पहले हमने साइड नॉट के वायर को फोल्ड किया, उसके बाद कॉर्नर जो नॉट के वायर को हमें इस लूप के अंदर डाल दिया है, ठीक है। सो सेम ऐसे हमें यहाँ पे सभी वायर से बुनाई करना है। पहले नॉट जो साइड नॉट है ना, सो इस वायर को नॉट के वायर को फोल्ड करना है, उसके बाद कॉर्नर वायर को इसके ऊपर फोल्ड करना है, उसके बाद वायर को इस लूप के अंदर डाल के हमें इस नॉट को टाइट कर देना है, ठीक है। कॉर्नर नॉट के वायर को कॉर्नर वायर कहूँगी ताकि आपको समझने में इजी लगे, ठीक है। सेम ऐसे हमें यहाँ की साइड पे सभी वायर्स पे भी बुनाई कर लेना है, ठीक है। पर लास्ट वाला नॉट को, ये जो लास्ट में नॉट या फिर लास्ट वाला वायर, उस पर नॉट को नहीं लगाना है, उस वायर को स्किप कर देना है, ठीक है। लास्ट की पहला वायर है, सो इस पे हमें नॉट लगाने के बाद ये जो लास्ट वाला नॉट को हमें स्किप कर देना है, लास्ट वाला वायर पे हमें नॉट को नहीं लगाना है, ठीक है। सो सेम ऐसे फोल्ड करना है, उसके बाद नीचे वायर को ऊपर रखना है, उसके बाद ये कॉर्नर वायर को इस लूप के अंदर डाल के हमें इस नॉट को टाइट कर देना है। यहाँ तक हमने बना के कंप्लीट करके ऐसे ही छोड़ देना है, और लास्ट वाला नॉट पे वायर पे हमें नॉट को नहीं लगाना है, ठीक है। एक तरफ हमने कंप्लीट कर दिया, तो इस ट्रायंगल के हमने दूसरी तरफ हमें सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हमें नॉट को लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने कॉर्नर नॉट को लिया है, ठीक है, थर्ड कॉर्नर है। इस कॉर्नर नॉट पे एक वायर नीचे की तरफ जा रहे है और दूसरी वायर ट्रायंगल की इस तरफ जा रहे है। सो इस वायर को लेकर हमें इस साइड की वायर पे हमें बुनाई करेंगी। सो पहले हमें क्या करना है, इस कॉर्नर नॉट की वायर को फोल्ड करना है, उसके बाद हमें इस नॉट की साइड नॉट की वायर को इसके ऊपर फोल्ड करना है, उसके बाद नीचे वायर को ऊपर रखना है, उसके बाद नीचे वायर को इस लूप के अंदर डाल के हमें इस नॉट को टाइट कर देना है, ठीक है। सो सेम ऐसे पहले हमें कॉर्नर वायर को फोल्ड करना है, उसके बाद हमें फोल्ड करते हुए यहाँ की सभी वायर्स पे भी नॉट को लगाना है। लास्ट वाले वायर पे हमें नॉट को नहीं लगाना है, ठीक है। लास्ट वाला नॉट को हमें स्किप कर देना है। इस तरफ हमने कंप्लीट कर दिया, अब यहाँ पे हमें इस नॉट को लेकर इस तरफ की यहाँ की वायर पे बुनाई करेंगे। सो पहले हमें नॉट की साइड पे नॉट है ना, उस वायर को फोल्ड करना है, उसके बाद हमें एक कॉर्नर नॉट की वायर को फोल्ड करना है, उसके बाद नीचे वायर को ऊपर रखना है, उसके बाद इस कॉर्नर वायर को इस लूप के अंदर डालने के बाद हमें इस नॉट को टाइट कर देना है। ऐसे हमें यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ की सभी वायर्स पर भी नॉट को लगाना है। लास्ट वाला नॉट को हमें स्किप कर देना है, लास्ट वाला वायर पर हमें नॉट को नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ की सभी वायर्स पे हमने नॉट को लगा दिया, सो लास्ट वाला वायर को स्किप कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ की कॉर्नर पे एक नॉट को लगाया और उस नॉट की वायर को लेकर साइड पे वायर के साथ अटैच करके नॉट को लगा दिया है। उसी तरीके से यहाँ पे कॉर्नर पे एक नॉट को लगाया, उसी नॉट की एक वायर को लेकर हमें साइड पे वायर के साथ अटैच करके यहाँ पे हमने नॉट को लगा दिया है। सो यहाँ बेस की दोनों साइड पे नॉट को लगा दिया, अब हमने मिडिल पोर्शन पे नॉट को लगाना बाकी है। मिडिल पे हमने नॉट को लगा दिया तो इस बेस की हाइट के अक्राउंड पूरा बनकर कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने साइड पे नॉट को लगा, ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, जैसे हमने बेस पे नॉट को लगाया था दो दो वायर को लेकर। सो सेम ऐसे यहाँ पे भी हमें दो वायर को लेना है, वहाँ पे हमें एक नॉट को लगाते हुए इस पूरा लाइन को कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए इन 10th और 8th इन दोनों वायर को लेकर एक नॉट को लगाया था, वो कॉर्नर वाला नॉट हो गया है, ठीक है। उसके साथ जो 10th वाला वायर पे राइट हैंड साइड इस तरीके से एक वायर जा रहे हैं, उस वायर को लेकर यहाँ पे एक नॉट, उसके बाद नेक्स्ट दो वायर को लेकर हमें नेक्स्ट नॉट को लगाते हुए इस पूरा लो को कम्प्लीट कर लेना है। मिडिल पोर्शन में कोई बहुत ईजी है, यहाँ पे दो दो वायर को लेना है और नॉट को लगा लेना है। यहाँ पे देखिए हमने
ये जो साइड पे पहले हमने क्या किया, ये जो काउंटिंग किया और 8th और 10th वायर को लेकर एक नाट को लगाया, वो जो नाट है वो कॉर्नर नाट है। उसी जो 10th वायर पे राइट हैंड साइड पे कॉयर आते हैं उस वायर को पहले फोल्ड करना है, उसके बाद नेक्स्ट नाट के वायर को इसके ऊपर फोल्ड करके यहाँ पे हमने एक नाट को लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वायर होंगी, नेक्स्ट नाट की एक वायर और उसकी नेक्स्ट नाट की दूसरी वायर को लेकर यहाँ पे एक नाट को लगाना है। ऐसे नेक्स्ट दो दो वायर क्रॉस होते हैं, ठीक है, उन दोनों वायर को लेकर हमें नाट को लगाते हुए इस पूरा लाइन को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। मिडिल में ऐसे ही करना है, कोई चेंजेस नहीं है, मिडिल में हमें बस दो 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 वायर को लेना है और नाट को लगा लेना है। ऐसे ही नाट लगाते हुए लास्ट तक आना है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये लास्ट है, यहाँ इस रो की लास्ट है, सो यहाँ तक हमें ऐसे ही नाट को लगा लेना है। हमने दो दो वायर को लेकर नाट को लगा दिया है, यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे ही दो दो वायर इस तरीके से क्रॉस होते हैं, उन दोनों वायर को लेकर नाट को लगा दिया। सो हमने ऊपर की तरफ नाट को लगा दिया, आप इसको इस तरीके से पलट कर नीचे की तरफ नाट को लगाएंगे। सो सेम ऐसे यहाँ पे देख सकती हूँ, 8th यहाँ से हमने काउंटिंग करके 8th और 10th वायर पे एक नाट को लगाया था, वो कॉर्नर वाला नाट हो गया है, ठीक है। सो उसी नाट की जो राइट हैंड साइड पे एक वायर जाते हैं, 10th वाला नाट मतलब लास्ट नाट के एक वायर जाते हैं, उस वायर को लेकर हमें नाट को लगाना स्टार्ट करेंगी। सेम ऐसे हमें कंटिन्यूसली दो दो वायर को लेकर नाट लगाते हुए लास्ट तक जाना है। वायर क्रॉस होते हैं, उन दोनों वायर को लेकर हमें एक नाट को लगाना है, ठीक है। दो वायर को लेना है और एक नाट को लगाना है, ऐसे कंटिन्यूसली हमें लास्ट तक जाना है। इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगी तो एक राउंड पूरा बनकर कंप्लीट हो जाते हैं और हाइट की एक राउंड कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट राउंड की स्टार्टिंग करेंगी, ठीक है। देखिए हमने लास्ट तक आ गया है, ठीक है। इन दोनों वायर को लेकर एक नाट को लगा लेना है तो ये राउंड पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो हमने मिडिल पे दो दो वायर को लिया और यहाँ पे नॉट को ला के इस यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद साइड पे हमने क्या किया, जो कॉर्नर नॉट की एक वायर को लिया, उस वायर को लेकर यहाँ की वायर के साथ अटैच करके नॉट को लगा दिया। सो सेम ऐसे हमने नीचे की तरफ भी कर दिया है, ठीक है। और सेम ऐसे उसके बाद देखिए यहाँ पर भी हमने दो दो वायर को लेकर नॉट को लगा दिया। सो एक राउंड को कम्प्लीट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। सो हमने एक राउंड कंप्लीट कर दिया, सो दूसरा राउंड की स्टार्टिंग करना है। सो सेम ऐसे हमें साइड पे बुनाई करते हुए स्टार्ट करेंगे। सो साइड से जो ट्रायंगल शेप है ना, उस पे पहले बुनाई करेंगे, उसके बाद हम सेम ऐसे मिडिल पोर्शन पे बुनाई करेंगे। साइड वाले वायर पे बुनाई करने के लिए पहले हमने कॉर्नर वाला नाट की वायर को लेकर बुनाई कर दिया था। सो सेकेंड राउंड पे क्या करेंगे, ये जो पहला नाट होते हैं ना, इस मिडिल पोर्शन पे हमने स्टार्ट दो दो वायर को लेकर नाट लगाया था, उसकी जो पहला नाट को लेकर यहाँ पे हमने नाट को लगाना है, ठीक है। ठीक है, पहला नाट की एक वायर, ठीक है, एक वायर उस तरफ जाते हैं और दूसरी वायर इस ट्रायंगल की इस तरफ जाते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ आते हैं। उस पहला नाट की वायर को लेकर यहाँ की सभी वायर्स पे नाट को लगाना है, पर यहाँ पे भी हमें लास्ट वाले वायर पे नाट को नहीं लगाने। तो चलिए हमने नाट को लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो पहला नाट है ना, ठीक है, इस नाट की वायर को लेना है, ठीक है। आप अच्छे से देख लीजिए वीडियो पे, जैसे मैं दिखा रही हूँ इस नाट है, ये जो हमने दो दो वायर को लेकर नाट को लगाया था वो वाली नाट है, ठीक है, पहला नाट है, उसकी एक वायर इस तरफ आ रही है, उस वायर को लेकर यहाँ पे हम बुनाई करना स्टार्ट करेंगे। पहले नीचे से नाट लगाना स्टार्ट करते हैं। सो सेम ऐसे हमें वायर को फोल्ड करना है, ठीक है, जो वो पहला नाट के वायर को फोल्ड किया, उसके बाद ये जो साइड में वायर्स है ना उसको फोल्ड किया, उसके बाद हमें सेम यहाँ पे नाट को लगा दिया, ठीक है। सो पहले उसको फोल्ड करना है, उसके बाद नाट के वायर को फोल्ड करके यहाँ पे नाट को लगाना है। सो यहाँ की सभी वायर्स पे भी नाट को लगाना है, पर लास्ट वाले वायर पे हमें नाट को नहीं लगाना है, जैसे हमने पहला राउंड पे किया था, लास्ट वाला नाट को हमने स्किप कर दिया। सो सेम ऐसे यहाँ पे भी लास्ट वाला वायर पे नाट को नहीं लगाना है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक नाट को लगा दिया, जो लास्ट में एक वायर है उस पर नाट को नहीं लगाना है, उसको स्किप कर देना है, जैसे हमने
पहला राउंड पिक किया था। पहले हमने क्या किया, यहाँ से काउंटिंग किया था, ठीक है, ये जो सेंटर लाइन से हमने काउंटिंग किया था। सो 10 लाइन से हमें क्या किया, 8 और 10 इन दोनों वायर को लेकर हमें एक नाट को लगाया, ठीक है। उस नाट को कॉर्नर वाला नाट हो गया। सो उस नाट की वायर को लेकर हमें साइड वाले वायर के साथ अटैच करके बुनाई कर दिया है, ठीक है। लास्ट वाला नाट को हमें स्किप कर दिया है, उस नाट पर हमने नाट को नहीं लगाया। सो सेम ऐसे हमने क्या किया, ऊपर की तरफ जो दो दो वायर को लेकर हमने नाट को लाया था, सो उसकी पहला नाट की वायर को लेकर हमें साइड में यहाँ पे बुनाई कर दिया। सो यहाँ पे भी हमने लास्ट वाला वायर को स्किप कर दिया, यहाँ पे नाट को नहीं लगाया। सो एक साइड हमने कंप्लीट कर दिया है, अब हमने दूसरी साइड की बुनाई करते हैं। दो दो वायर को लेकर हमने नाट को लगाया था ना इस मिडिल पोर्शन पे, सो वहाँ की जो पहला नाट को लेना है, ठीक है, पहला नाट की वायर को लेना है। उस वायर, एक वायर इस ट्रायंगल की इस तरफ जा रहे है और दूसरी वायर उस तरफ जा रहे है। सो जो ट्रायंगल की तरफ जा रहे हैं ना, उस वायर को लेकर यहाँ की वायर के साथ अटैच करना है। सो पहले उस साइड वाली नाट की वायर को फोल्ड करना है, उसके बाद हमें इस नाट की वायर को फोल्ड करना है। सो फोल्ड करने के बाद थोड़ा टाइट खींचेगा, वायर को टाइट में खींचना है, क्योंकि इन दोनों वायर के बीच में ज़्यादा गैप रहता है, तो इसलिए हमें थोड़ा टाइट खींच के यहाँ पे नाट को लगाना है। उसके बाद हमें नॉर्मली नाट को लगाना है, ठीक है। जैसे हमने इस साइड वाली वायर को पहले फोल्ड करना है, उसके बाद हमें इस नाट की वायर को फोल्ड करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर एक नाट को लगा लेना है। सो यहाँ के सभी वायर्स पे नाट को लगाना है, पर लास्ट वाले वायर पे हमें नाट को नहीं लगाना है, ठीक है, उस वायर को हमें स्किप कर देना है, ठीक है। देखिए मैंने दूसरी तरफ आ गया है, सो यहाँ पे भी हमने नाट को लगाना स्टार्ट करते हैं। सो देखिए यहाँ पे जो मिडिल की जो पहला नाट की वायर को लेना है, यहाँ पे देखिए दो दो वायर को लेकर हमने नाट को लाया था ना, उसकी जो पहला नाट है, ठीक है, पहला नाट को लेकर इस तरफ जो वायर आ रहे हैं, ठीक है, उस वायर को लेकर हमें यहाँ की साइड वाले वायर्स पे बुनाई करना है सेकेंड राउंड की, ठीक है। यहाँ की पहला नाट की वायर को पहले फोल्ड कर दिया, उसके बाद ये जो साइड में नाट है ना, उसकी वायर को इसके ऊपर फोल्ड करना है, उसके बाद नीचे वायर को ऊपर रखना है, उसके बाद साइड वायर को इस लूप के अंदर डाल के हमें इस नाट को टाइट कर देना है, ठीक है। साइड पे नाट लगाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, साइड पे। सो हाइट की एक राउंड इंक्रीज हो गया है, तो हम यहाँ पे सेकेंड राउंड बना रहे हैं। यहाँ पे भी हमने लास्ट वाला वायर को स्किप कर देना है साइड वायर पे, ठीक है। यहाँ पे साइड में सभी वायर्स पे लगाना है, लास्ट वाला वायर को स्किप कर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मिडिल की नाट को हमने लिया है, पहला नाट को, ठीक है, दो दो वायर को लेकर हमने नाट को लगाया था ना, उसकी जो पहला नाट की वायर को हमने लिया है। इस तरीके से इस वायर को रखकर यहाँ की सभी वायर्स पे हमें बुनाई करना है, पर लास्ट वाले नाट की वायर को हमें स्किप कर देना है, ठीक है। पहले इस वायर को फोल्ड करना है, उसके बाद हमें इस नाट की वायर को इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा टाइट करके यहाँ पे फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद नीचे वाले वायर को ऊपर रखना है और साइड वायर को इस लूप के अंदर डाल के हमें इस नाट को टाइट कर लेना है, ठीक है। नाट को लगाने के बाद ऐसे हमें कंटिन्यूसली उसी वायर को फोल्ड करते हुए साइड पे यहाँ के सभी वायर्स के साथ हमें नाट को लगाना है, ठीक है। एक ही वायर को बार बार फोल्ड करना है, ठीक है। हमने अलग अलग वायर को नहीं लिया है, ये जो एक वायर है ना, उस नाट की वायर को लेकर यहाँ पर हमने सभी वायर्स के साथ अटैच कर रहे हैं। जैसे हमने रनिंग वायर पर बैक बनाते तो एक ही वायर के साथ सभी वायर्स को अटैच कर नाट लगाते हैं, जैसे ही यहाँ पे भी हमें कर लेना है। यहाँ पे देखिए लास्ट तक हमने आ गया है, जो लास्ट वाले नाट की वायर को हमने नहीं लिया है, उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दूंगी। जैसे हमने पहले राउंड पे स्किप किया था, उसी तरीके से सेकेंड वाले लाइन पे भी हमें स्किप कर दिया है, ठीक है। एक सेकेंड राउंड पूरा कंप्लीट होने के बाद इसकी जो बेस है कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसकी जो शेप है कुछ बैक के जैसे आ गया है, नीचे की पोर्शन। सो यहाँ पे देख सकते हो हम वापस हमें क्या करना है, पोर्शन पे जो मिडिल होते हैं ना, जो लंबी वाला साइड को मैं मिडिल पोर्शन कहती हूँ, ठीक है। मिडिल पोर्शन पे हमें दो दो वायर्स को लेना है और नाट को लगा लेना है। सो पहले इस तरफ लगाएंगी, ठीक है, उसके बाद ऑपोजिट साइड पे हमें लगाएंगी, उसके बाद हमें मिडिल की जो पहला नाट की वायर को लेकर हमें साइड पे बुनाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक नाट को लगा दिया। सो इसी तरीके से हमें नेक्स्ट दो दो वायर्स को लेकर यहाँ पे हमें नाट को लगा लेना है, इस तरफ पूरा हमें ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। लास्ट तक ऐसे बनाने के बाद हमें ऑपोजिट साइड पे भी मिडिल पोर्शन पे दो दो वायर को लेकर नाट को लगा लेना है।
उस साइड हमें नाट को ला के कम्प्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे हमें इस साइड पे मतलब ऑपोजिट साइड है ये, यहाँ पे हमें दो दो वायर क्रॉस होते हैं, इन दोनों वायर को लेकर यहाँ पे नाट को लगाएंगी। सो लास्ट तक हमें नाट को लगाना है। देखिए ये जो लास्ट है यहाँ तक, यहाँ पे देखिए लास्ट वाला दो वायर है, ठीक है। यहाँ पे हमें दो वायर को लेकर एक नाट को लगा दिया, तो यहाँ पे थर्ड लाइन की लास्ट वाला नाट बनकर कंप्लीट हो गया है। देखिए मैंने लास्ट वाला नाट को अब लगा रही हूँ। थर्ड लाइन पे दोनों मिडिल पोर्शन पे हमने नाट को लगा दिया है, ठीक है। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इस साइड पे बुनाई करेंगे। पहले देखिए यहाँ पे भी नाट को लगा दिया और इस तरफ भी नाट को लगा दिया। सो इसके बाद हम मिडिल की जो पहला नाट की वायर को लेकर हमें साइड में जो वायर्स है ना उसके साथ अटैच करके हमें नाट्स को लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें सभी वायर्स पे नाट को लगाना है। लास्ट वाले वायर को हमें स्किप कर देना है, लास्ट वाले वायर पे हमें नाट को नहीं लगाना है। ऐसे हमें पहला लाइन पे भी लास्ट वाला वायर को स्किप कर दिया, सेकेंड राउंड पे भी ऐसे ही कर दिया, थर्ड राउंड पे भी हमने लास्ट वाला वायर को स्किप कर दिया। साइड पे हमने ऊपर की तरफ लगा दिया, अब नीचे की तरफ लगाते हैं। यहाँ पे देखिए इस मिडिल की जो पहला नाट की वायर को लेकर साइड वाले वायर के साथ हम अटैच करके बुनाई करते हैं। साइड वाले वायर के साथ हम इसीलिए इस वायर को अटैच करते हैं क्योंकि उस वायर एक दूसरे से क्रैश नहीं होते हैं, वो एकदम सीधे में जाते हैं, स्ट्राइट में जाते हैं, ठीक है। सो इसीलिए हमें पहला नाट की वायर को इस्तेमाल करके यहाँ की नाट के साथ अटैच करके बुनाई करते हैं। सिर पे नीचे की साइड भी हमने सभी वायर्स पे नाट को लगा दिया, लास्ट वाले वायर को स्किप कर दिया, आप देख सकते हो, ठीक है। लास्ट वाले वायर पे नाट को हमने नहीं लगाया। लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर नीचे दोनों तरफ लगा दिया। अब राइट हैंड साइड जाते हैं, वहाँ पे भी देखिए हमने ऊपर की तरफ पहले लगाते हैं उसके बाद नीचे की तरफ। सो यहाँ पे देख सकते हो इस नाट की वायर को लेकर यहाँ की वायर के साथ बुनाई करना है, लास्ट वाले वायर को हमें स्किप कर देना है। सो ऊपर की तरफ लगाने के बाद नीचे की तरफ साइड पे हमने नाट को लगा रहे हैं, ठीक है। सो साइड जो जगह है ना, जो ट्रायंगल शेप थी स्टार्टिंग में, उस पर हमने नाट को लगाने के बाद कुछ इस तरीके से हो गया। सो देखिए साइड पे हमने ऊपर की तरफ लगा दिया, अब यहाँ पे इस तरीके से नीचे की तरफ यहाँ पे लगाना है, ठीक है। सो यहाँ ये जो पोर्शन है ना, ये मिडिल की जो पहला नाट के वायर को लिया है, ठीक है, उस वायर को लेकर यहाँ के सभी वायर्स पे नाट को लगाना है। सो हमने किस जगह को मिडिल किया थी, किस जगह को साइड, तो चलिए एक बार देख लेते हैं हमने किस पोर्शन को क्या क्या कहती हूँ ताकि आपको समझने में इजी लगे। यहाँ पे देखिए ये बैग की बेस है, इसकी जो मिडिल पोर्शन है ना, यहाँ पे इस जहाँ को मैंने मिडिल पोर्शन कहूँगी, ठीक है। और ये जो साइड है ना ट्रायंगल की, उसकी साइड की जो ऊपर की साइड है और ये जो नीचे की साइड है, ठीक है, इसको ऐसे कहती हूँ। सो हमने यहाँ पे साइड की नीचे की तरफ नाट को लगा रहे हैं। सो साइड पे लगा रहेंगे तो लास्ट वाली वायर पे नाट को नहीं लगाना है, उसको हमने स्किप कर देना है, ठीक है। सो हमने थर्ड राउंड पूरा कंप्लीट कर दिया है, अब यहाँ पे हमें फोर्थ राउंड की स्टार्टिंग करना है। सो फोर्थ राउंड की सेम ऐसे हमें दो दो वायर्स को लेना है, पहले मिडिल पोर्शन अपनी नाट को लगाएंगे, ठीक है। देखिए फोर्थ राउंड की जो पहला नाट को मिडिल पोर्शन पे हमने लगा दिया, उसके बाद नेक्स्ट दो दो वायर क्रॉस होते हैं, उन दोनों वायर को लेकर एक नाट को लगाना है, ठीक है। यहाँ की पूरा मिडिल पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद हमें ऑपोजिट साइड पे सेम ऐसे ही नाट को लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने लास्ट तक आ गया है मिडिल पे नाट को लगाते हुए। सो लास्ट नाट को जब लगाएंगे ना, यहाँ पे देखिए ये लास्ट वाला नाट है, ठीक है। सो इस नाट को लगाएंगे तो मिडिल पोर्शन की लास्ट, देखिए मिडिल की लास्ट नाट भी बनकर कंप्लीट हो गया है। यहाँ इस नाट को लेकर हमें साइड पे बुनाई करते पर अब नहीं। सो हमने ऑपोजिट साइड पे भी मिडिल पोर्शन पे पहले नाट को लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम साइड पे बुनाई करेंगे। सो यहाँ पे देखिए हमने ऑपोजिट साइड पे नाट को लगाना स्टार्ट कर दिया है फोर्थ राउंड की, ठीक है। ऐसे ही दो वायर्स को लेकर एक नाट को लगाते हुए लास्ट तक आना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने लास्ट वाले नाट को लगा दिया है। तो हमें क्या करना है, एक तरफ हमने लगा दिया और ऑपोजिट दोनों तरफ भी हमने सेम ऐसे ही मिडिल पोर्शन पे नाट को लगा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइड पे नाट को लगाना स्टार्ट करेंगे। साइड पे नाट को लगाने के लिए क्या करना है, सो मिडिल की जो पहला नाट है ना, ठीक है, उस नाट की वायर को लेकर साइड्स की वायर के साथ अटैच करके नाट को लगाना है। सो सभी वायर्स पे नाट को लगाना है साइड पर लास्ट वाले नाट को स्किप कर देना। यहाँ पे पूरा पांच वायर्स है, ठीक है, साइड पे। सो हमें क्या करना है, सिर्फ फोर वायर पे ही नाट को लगाना है, फिफ्थ वाले वायर को हमें स्किप कर देना है। यहाँ पे देखिए हमने फोर वायर के साथ अटैच करके नाट को लगा दिया, ये देखिए लास्ट वाला वायर है, ठीक है। फिफ्थ वाले वायर को हमने स्किप कर दिया है, उस पे नाट को नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ पे फोर नाट ही हमने बनाया। सो हमने साइड की ऊपर की तरफ नाट को लगा दिया, अब यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ नाट को लगा रहे हैं। सो सेम ऐसे हमें
फोर्थ लाइन की इस नॉट को लेकर हमें यहाँ की सभी वर्ड्स पे नॉट को लगाना है। देखिए हमने फोर वर्ड्स पे नॉट को लगा दिया, फिफ्थ वाले वर्ड को स्किप कर दिया। सेम ऐसे हमें एक ही साइड पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगा दिया, ये ऊपर और नीचे है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें दूसरा साइड पे, मतलब पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया था, अब यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड पे नॉट को लगा रहे हैं। सो यहाँ पे पूरा, यहाँ पे हमने फोर नॉट्स को लगा दिया है, ठीक है। लास्ट वाला और को स्किप कर दिया है। साइड पे मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ भी नॉट को लगा दिया है। सो फोर्थ राउंड पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम फिफ्थ राउंड की स्टार्टिंग करते हैं। सो फिफ्थ राउंड पे हमने मिडिल पोर्शन पे नॉट को लगा दिया है, ठीक है। देखिए जो दो दो वायर को लेकर हमने मिडिल पे नॉट को लगा दिया, सो उस नॉट को लेकर हम साइड पे बुनाई करेंगे। पूरा यहाँ पे चार वायर्स है, सो हम इसमें तीन वायर पे नॉट को लगाना है, फोर्थ वाले वायर को स्किप कर देना है। यहाँ पे देखिए हमने तीन वायर पे नॉट को लगा के कंप्लीट कर दिया है, तीन नॉट हम बन गई। और फोर्थ वाले वायर को हमें स्किप कर दिया, उस पर नॉट को नहीं लगाया, सो ऊपर की तरफ लगा दिया। और सेम ऐसे हमें नीचे की तरफ भी लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इस नॉट की वायर को लेकर यहाँ पे पूरा फोर वायर्स है, सो हमें तीन नॉट को लगा लेना है, फोर्थ वाले वायर को स्किप कर देना है। तीन वायर्स को लेकर नॉट को लगा लेना है, फोर्थ वाले वायर को स्किप कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से तीन नॉट को हमें चारों तरफ लगा लेना है, लेफ्ट और राइट साइड पे ऊपर और नीचे की तरफ हमें तीन नॉट को इस तरीके से बना लेना है। ऐसे हमें नॉट को लगाने के बाद फिफ्थ राउंड पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम सिक्स्थ राउंड की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। सो क्या करना है, दो दो वायर को लेकर मिडिल पोर्शन पे हमने नॉट को लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो हमने दोनों वायर को यहाँ पे लिया, यहाँ की जो देखिए मिडिल पोर्शन है, यहाँ पूरा हमें दो दो वायर को लेकर नॉट को लगा लेना है। सो देखिए हमने यहाँ पे पहला नॉट को लगा दिया है दो दो वायर को लेकर। ऐसे हमें कंटिन्यूसली यहाँ की सभी वायर्स पे भी दो दो वायर को लेकर नॉट को लगा लेना है। उसके बाद ऑपोजिट साइड पे भी लगा लेना है। उसके बाद हम क्या करना है, जो मिडिल की जो नॉट है ना, ठीक है, उस नॉट की वायर को लेकर साइड पे वायर्स होते हैं, तो यहाँ पे तीन वायर्स है, सो इसमें क्या करेंगे, हम दो वायर्स पे नॉट को लगाएंगे, थर्ड वाले वायर को स्किप कर देंगे। तीन वायर्स थी उसमें हमने दो वायर पे नॉट को लगा दिया, सो लास्ट वाले वायर को हमने स्किप कर दिया है, ठीक है। जैसे हमने नीचे से करते हुए आ रही थी, लास्ट वाले वायर को स्किप करते हुए यहाँ पे दो वायर्स आ गया है, ठीक है। सो सेम ऐसे यहाँ पे देख सकते हो तीन वायर्स थे, उसमें हमने दो वायर पे नॉट को लगा लेना है और थर्ड वाले वायर को स्किप कर देना है। ठीक तरीके से हमें चारों तरफ भी लगाना है। राइट हैंड साइड पे हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे सेम ऐसे ही ऊपर और नीचे दोनों तरफ भी दो नॉट को लगा लेना है। नॉट की वायर को लेकर हमें दो नॉट को यहाँ पे लगा दिया, थर्ड वाली वायर को हमने स्किप कर दिया है, ठीक है। सो उसी तरीके से हमें नीचे की तरफ भी हमें लगाना है। यहाँ पे तीन वायर्स है, उसमें हमें क्या करना है, दो वायर्स पे नॉट को लगा लेना है, दो नॉट को लगा दिया, थर्ड वायर को स्किप कर दिया है। सो सिक्स्थ राउंड पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेवन्थ वाली राउंड की स्टार्टिंग करना है। सेम ऐसे पहले हम मिडिल की दो दो वायर को लेकर नॉट को लगा लेना है, ठीक है, मिडिल पोर्शन पे पहले दोनों साइड पे, ठीक है, इस साइड पे भी लगा लेना है। उसके बाद ऑपोजिट साइड पे भी दो दो वायर को लेकर नॉट को लगा लेना है। उसके बाद देखिए हमें मिडिल की जो यहाँ पे देखिए पहला नॉट है, ठीक है, इस नॉट की वायर को लेकर यहाँ पे देखिए साइड पे दो वायर्स है, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही यहाँ पे नॉट को लगाएंगे, लास्ट वाले वायर को स्किप कर देंगे। सो यहाँ पे एक ही नॉट को लगाना है, दो वायर्स है तो एक ही नॉट को लगा दिया। सो सेम ऐसे हमें नीचे की तरफ भी लगाना है। यहाँ पे देखिए एक नॉट है, इस नॉट की वायर को लेकर यहाँ पे एक नॉट को लगाना है, दूसरा वायर को स्किप कर देना है, ठीक है। सेम यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे भी पूरा चार जहाँ पे ऐसे हमें एक नॉट को लगा के एक वायर को स्किप कर देना है, ठीक है। ऐसे कर लेंगे तो यहाँ पे सेवन्थ राउंड पूरा बनकर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सभी जो वायर्स होती है ना, दो दो वायर क्रॉस होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ की सभी दो दो वायर क्रॉस होते हैं, बस चार वायर्स होंगी, वो किसी भी वायर से क्रॉस नहीं होते, एकदम स्ट्राइट में दिखता है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे दो वायर पे नॉट को लगा के एक वायर को स्किप किया था ना, वो लास्ट वाले एक ही वायर है, ठीक है, वो वाली वायर है। देखिए सभी वायर क्रॉस होते हैं, इन दोनों वायर एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे नॉट को लगाना है, सो पहले हमें इन दोनों वायर को लेकर नॉट को लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद उस नॉट में एक वायर आते हैं, उसको लेकर इस एकदम स्ट्राइट में जाते अलग वाली वायर पे हमें नॉट को लगा लेना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये वाली स्टेप डाउट हो सकते हैं, तो उसको भी मैंने कह दिया है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एक वायर है चार बार आते हैं एक राउंड पे, ठीक।
यहाँ पे साइड में देखिए सभी वायर क्रॉस होते हैं, तो उन दोनों दो दो वायर को लेना है, नाट को लगाते हुए इस पूरा राउंड को कंप्लीट कर लेना है। बस इस तरीके से एक ही वायर होता है, ठीक है। ये जो एक वायर है चार बार आते हैं एक राउंड में, मैंने पहले भी आपको कह दिया है। सो उसको कैसे नाट को लगाना है, सो उस वायर की आगे दो वायर क्रॉस होते हैं, उस वायर को पहले नाट को लगा लेना है, ठीक है। उन दोनों वायर को लेकर नाट को लगा लेना है, उसके बाद उस नाट की एक वायर आते हैं, ठीक है, उसमें इन इस वायर क्रॉस होते हैं, ठीक है, उसको लेकर इसके साथ नाट को लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पे नाट को लगाने के बाद साइड पे दो दो वायर क्रॉस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे नाट को लगा लेना है। उसके बाद मिडिल पे भी दो दो वायर क्रॉस होते हैं, वहाँ पे भी नाट को लगा। बस इस तरीके से वायर स्ट्रेट में जाते हैं एक वायर, उस वायर पे भी कैसे नाट को लगाना आपको बता दिया। देखिए इस तरीके से उसकी पहले वाले वायर क्रॉस होते हैं, उस पे नाट को लगाना है। उसके बाद उस नाट में एक वायर आते हैं, उसके साथ इस वायर को अटैच कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से आप ऊपर तक कंटिन्यू कर लेना, जब तक आपकी जो वायर है वो 4 इंच तक आ जाए, तो उसके बाद आप नाट लगाना बंद कर लीजिएगा। उसके बाद आप इस बैग को फिनिशिंग कर लीजिए, ठीक है। आपको फिनिशिंग करना पता है तो कर लीजिए, वरना तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं फिनिशिंग करना और हैंडल्स लगाना भी बताऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।